हेलो दोस्तों, नागिन सर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूज ऑफ वाच वर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यूज ऑफ वाच वर इन कन्वर्सेशन, बातचीत की भाषा में वाच वर का प्रयोग कैसे किया जाता है, चलिए जानते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। वाच वर क्रियाएं भी वी फॉर्म पास्ट टेंस कहलाती हैं। अफर्मेटिव फार्मूले की बात करें, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाच प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके फार्मूले ये हैं। उदाहरण की बात करें, राम एक राजा था। राम वाज अ किंग, राम एक राजा था। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। रमेश मेरा मित्र था, रमेश वाज माई फ्रेंड। नंबर तीसरे उदाहरण की बात करें, वह वहाँ उपस्थित, वह वहाँ था। ही वाज देयर, वे वहाँ उपस्थित थे। दे वर प्रेजेंट देयर, देवर प्रेजेंट देयर, अर्थात वे वहाँ उपस्थित थे। बीते हुए समय की बात की जा रही है। वह सोया हुआ था, ही वाज एस्लेप, मतलब सोया हुआ था, पहले ही ऑलरेडी वह सो गया था। मेरे मित्र दोषी थे, माई फ्रेंड्स वर गिल्टी। वह अमीर आदमी था, ही वाज अ रिच मैन, अर्थात वह पहले अमीर आदमी था, करंट में नहीं है। राम मुझसे उम्र में छोटा था, राम वाज एंगर देन मी, अर्थात राम मुझसे छोटा था, बड़ा नहीं है। वह बहुत गरीब था, ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। चलिए बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य, जो पॉजिटिव थिंकिंग से निगेटिव में परिवर्तित हो जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। अगर वाक्य निगेटिव हो तो, अगर वाक्य निगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग वाज वर के बाद करते हैं। फार्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाच प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस वाच वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग मित्र नहीं थे, वी वर नॉट फ्रेंड्स। वे छात्र नहीं थे, अर्थात वे लोग छात्र नहीं हैं, अर्थात पहले थे अब नहीं हैं। वे छात्र नहीं थे, दे वर नॉट स्टूडेंट्स। आप बहुत दुखी नहीं थे, यू वर नॉट वेरी सैड। वह एक अच्छी लड़की नहीं थी, सी वॉज नॉट अ गुड गर्ल। वह एक अच्छी लड़की नहीं थी। वह हिंदू नहीं था, ही वॉज नॉट हिंदू, अर्थात वह हिंदू धर्म का नहीं है। वह एक चतुर लड़का नहीं था, ही वॉज नॉट अ क्लेवर बॉय। राधा सुंदर नहीं थी, राधा वॉज नॉट ब्यूटीफुल। जो सुंदर होता है उसे हम हैंडसम कहते हैं, और लड़की हो तो ब्यूटीफुल। रवि पागल नहीं था, रवि वॉज नॉट मैड। मोहन खिलाड़ी, सोहन रोहन खिलाड़ी नहीं था, रोहन वॉज नॉट प्लेयर। चलिए बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक का मतलब होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात जिसमें प्रश्न पूछे जाए वे सभी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगर वाक्य से प्रारंभ हो तो वाक्य वाच या वर से प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। फार्मूले की बात करें तो वाच वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राधा चतुर थी, वाज राधा क्लेवर। क्या अंधेरा था, वाज इट डार्क। क्या वह कार तुम्हारी थी, वाज दैट योर कार। क्या तुम पुलिस हो, वर यू अ पुलिस, क्या तुम पुलिस हो। दूसरे प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्नवाचक शब्द जो आते हैं वाक्य के बीच में, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, किसका, ये सभी होते हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाक्य को प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ करते हैं। फार्मूले की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। देखिए इसमें डी भूल गए हैं तो आप लोग डी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अंधेरा कब था, मतलब समय निर्धारित नहीं है। व्हेन वाज इट डार्क, तुम गरीब क्यों थे, व्हाई वर यू पुअर। वे वहां उपस्थित थे, वे कहाँ उपस्थित थे, अर्थात स्थान पता नहीं है। वेयर वर दे प्रेजेंट। राजा कौन था, हु वाज किंग। राजा कौन था, यह निर्धारित नहीं है कि राजा कौन है, कौन था, इसको बताने के लिए हु वाज किंग। अगर आप वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।